आई एम फ्रॉम मिसवा स्कूल सचल प्रिंस कासमाबाद हैदराबाद। बच्चों आपको इस पता है कि मैंने क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू का पार्ट 1 आपको पढ़ाया है, तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। स्मार्ट स्कीम से जो मैंने आपको टिक करवाई है उसी हिसाब से आपको मैंने सुना दिए हैं। लेसन सबक जो है तीसरा है उसका पार्ट है 2, सवाल नंबर तीसरा है क्योंकि मैंने आपको 3 पहले याद करवा दिए हैं, एक्सप्लेनेशन करवा दिया, तो उसका 3rd सवाल है हजरत उस्मान वली रजी अल्लाह तआला ना को कौन कौन सी फजीलतें हासिल थी। फजीलतें मींस खूबियां, खामियां, ठीक है, खूबियां होती है ये जो हम बात करते हैं, कोई खूबी होती है तो हजरत उस्मान में कौन सी खूबी थी। जवाब है हजरत उस्मान की एक फजीलत तो ये है, रसूलुल्लाह ने अपनी 2 साहबजादियों को निकाह यकर बैत देकर ने उनसे किया, किससे किया, हजरत उस्मान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी 2 साहबजादियों को निकाह बैत देकर किया। दूसरी फजीलत यह है कि दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर हिजरत की मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसकी खातिर, दीन की खातिर 2 बार हिजरत की। तीसरी फजीलत यह है कि उन्होंने कुरान मजीद लिखवाकर मुसलमानों की सारी आबादी में भिजवा दिया, मीन्स अपने हाथों से कुरान लिखकर मुसलमान जहां जा रहे थे उनकी आबादियों में भिजवा दिया। सवाल नंबर दूसरा है किस कारनामे की वजह से आपको जामे कुरान कहा जाता है। जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी को जामे कुरान इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने कुरान मजीद लिखकर उसकी नकूल में उनकी अपने हाथों से लिखी हुई ये कुरान मजीद उसका लिखा हुआ नकूल मुसलमानों की सारी आबादी में भिजवा दी, उन अपने हाथों से लिखा हुआ कुरान जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी थी वहाँ भिजवा दी और उन्हीं की नकलें आज सारी दुनिया में मौजूद है, आज तक भी मौजूद है, इसलिए आपको जामुल कुरान कहा जाता है। बच्चों 3rd सेमेस्टर की स्मार्ट स्कीम से अच्छी से तैयारी कीजिएगा, दिखाई भी तो मजा चाहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।